हरिद्वार में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सरकार के सामने कोरोना गाइडलाइन के बीच कुंभ मेला संपन्न कराना बड़ी चुनौती है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को संक्रमण से बचाने के लिए लगभग 5,000 स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिसमें करीब 500 डॉक्टर भी शामिल हैं। और ऐसे ये ट्रेनिंग है, और अगर उसके बाद भी हमारी एक टीम आएगी जो यहाँ पे सर्विलेंस करेगी, सर्वे करेगी, जो रिस्क असेसमेंट जिसको बोलते हैं कि कितना रिस्क हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, उसके दृष्टि कितना रिस्क किस किस बीमारी का हो सकता है, उस असेसमेंट के बाद अगर हमें और भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम अनुरोध भारत सरकार से करेंगे। हम डॉक्टरों को यही बता रहे हैं, प्रशासन को, डॉक्टरों को, कि सर्वेलेंस जो है, डिजीज सर्वेलेंस है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज यहाँ पर जो मेला में डॉक्टर्स लगे हुए हैं स्टेट के, उनकी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं डिजीज सर्वेलेंस किस प्रकार से करनी है और कुंभ में कैसे उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं।